एक हफ्ते आप उसको कहते हो आओ जी जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ो, दूसरे जामा को कहते हो नहीं हालात खराब है। ये क्या तरीका है? जब पहली जुमा को ठीक था, ये इतने एक ही 6 दिन में हालात क्यों खराब हो गए? ये खासकर वही नवहटा उस जामा मस्जिद के इर्द गिर्द ही हालात क्यों खराब होते हैं? मीर वाइज खानदान का सबसे बड़ा अहम रोल है मुसलमानों में। मरहूम मौलाना यूसुफ शाह साहब अलैहि रहमा, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया। वही एक पहले कश्मीरी थे जिन्होंने कुरान शरीफ को कश्मीरी में तर्जमा किया। अब उनके घराने से, उनका चश्मे चिराग एक आलिम, एक फाजिल, एक डॉक्टर हमारे उमर साहब। एक हफ्ते आप उसको कहते हो आओ जी जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ो, दूसरे जामा को कहते हो नहीं हालात खराब है। ये क्या तरीका है? जब पहली जुमा को ठीक था, ये इतने एक ही 6 दिन में हालात क्यों खराब हो गए? ये खासकर वही नवहटा उस जामा मस्जिद के इर्द गिर्द ही हालात क्यों खराब होते हैं? अभी आप देखिए, परसों बूढ़ी कदल में आग लगी, तमाम पॉलिटिकल मैन आदमी पहुंचे वहाँ, उनके लिए हालात खराब नहीं थे, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो इस्लाम का दर्ज दे रहे उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्या है? ये हम अगर सेकुलर इंडिया में रहते हैं, हमें आज़ादी, अगर मज़हब की है, हर एक को अपने मज़हब की आज़ादी आज़ादी से करने दो। हमने किसी हिंदू भाई को नहीं कहा कि तुम मंदिर में मत जाओ। हमने किसी भाई हिंदू भाई को देखकर जब उसके माथे पर टीका होता है उसको ये नहीं कहा कि ये टीका हटा दो। वो उसका अपना मज़हब है, हम वेलकम करते हैं, हम एहतराम करते हैं उनके जज्बे को, उनके मज़हब को, लेकिन हमें भी तो जीने दो, हमें भी हक है रहने का।